सदगुरु तो ऐसे ही मिले जैसे सूरज आकाश भर में अंधेरा मिट के गुरु ज्ञान किया प्रकाश, गुरु ज्ञान किया प्रकाश। जैसे अभी मैंने वाणी पढ़ी कि सदगुरु ऐसे मिले जैसे सूर्य प्रकाश। सूर्य से हमें क्या चीज मिलती है? एक प्रकाश, एक ताप, गर्मी। मांगनी तो नहीं पड़ती। ऐसे ही संत के पास, गुरु के पास जब जाएंगे आप, तो आपको ज्ञान मांगना नहीं पड़ता, स्वतः मिलेगा। परमात्मा की याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही याद आएगी। गुरु को संत को देखते ही जब आपको परमात्मा की याद आए, एक बार भी, मात्र एक बार भी हृदय से नाम निकला, गुरु मंत्र निकला, भले ही राम निकला, भले ही श्याम निकला, भले सोहम निकला, ओम निकला, तुरंत आपका तार परमात्मा से जुड़ता है। इसका मतलब परमात्मा से एक कदम की दूरी कम हुई है। जितना संत के पास बैठोगे, नाम जपोगे, समझ लेना उतने कदम, उतनी दूरी आपकी परमात्मा से कम होती जा रही है। जितना सत्संग से, नाम से, संत से दूर रहोगे, उतनी दूरी बनी रहेगी, इतनी लंबी दूरी रहेगी। वो रास्ता तय करना पड़ता है। आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज बाल अवस्था में ही सत्संग करना शुरू किया और बड़े बड़े सिद्ध आकर दर्शन करते, सत्संग सुनते, कितनी आत्माओं को आत्म साक्षात्कार हो गया। एक समय सदगुरु जी सत्संग फरमा रहे थे, ये फाल्गुन का महीना था और द्वादशी का सदगुरु भंडारा करते थे। जो उपदेश दे चुके संतोष दास आदि शिष्यों ने कहा, गुरुदेव फाल्गुन का महीना है और आप हमेशा वाणी के माध्यम से भगवान की जन्म लीला का, उनके चमत्कारों का बहुत वर्णन सुनाते हैं। गरीबदास महाराज ने बहुत कृष्ण लीला गाई, राग रूप रघुवीर है, मोहन जाका नाम, मुरली मधुर बजावे श्री गरीबदास बलि जाओ। ऐसी प्रभु मुरली बजाते थे कि तीनों लोकों में सुनती थी, और ऐसा राग रूप है उनका। तो कृपया एक बार में लीला सतलिका हमें दर्शन भी करा दो, आप कहीं भ्रमण पर नहीं जाते, सदगुरु मथुरा वृंदावन की यात्रा कराओ। तो सदगुरु कहने में ठीक है। मेला करने के बाद सदगुरु जी अपनी शिष्य मंडली और बैलगाड़ियां लेकर, रथ लेकर चल दिए। जहां रास्ते में गांव से, शहरों से गुजरते, पता चलता कि वो छुड़ानी वाले सिद्ध संत यहां से गुजर रहे हैं, गांव के लोग जिनका सुदर्शन करने आते, जहां शाम होती सदगुरु इसी गांव में ठहरो, भोजन करवाते, दर्शन करते, सत्संग सुनते, जन कल्याण करते हुए सदगुरु की यात्रा आगे बढ़ी। 7 दिन में मथुरा पहुंच गए। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, रमन देती, सब जगह भ्रमण किया। पूरे वृंदावन में ख्याति फैल गई कि ये गरीबदास जी वही आए हुए हैं जिन्होंने गोबर का घी बना दिया था, जिन्होंने फूट नगर के जजर के नवाब थे शेर के आगे डाला तो शेर ने भी उनके चरण चाटे थे। ये वही गरीबदास है क्या जो आकाश मार्ग से 9 योगेश्वर जिनके दर्शन करने के लिए आए थे? बड़े प्रसिद्ध संत हैं और वहां कथावाचक और विद्वान बहुत थे। सदगुरु के दर्शन करने आते, उनके जैसे दर्शन करने आते लोग ऐसे ही मोहित हो जाते जैसे कृष्ण भगवान के दर्शन से मोहित हो जाते थे। उस समय वहां फाग उत्सव होता, लठमार होली होती, रंग होली होती है, तो शिष्यों के मन में भी आ, सदगुरु हम भी होली खेले। कहने लगे, भाई ये तो बाहर की होली है, रंग उतर जाएंगे, वो तो भगवान थे उस समय, एक अलग ही रंग था। चलो तुम्हें अंदर की होली बताएं कैसी होती है। एक परमात्मा का लोक अंदर है और वहां पे 24 घंटे फाग उत्सव बसंत मच रहा है, और वहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी संत भक्त ऋषि हुए हैं वो तो परमात्मा के साथ नित्य खेल रहे हैं। और जैसे ही सदगुरु बैठे से उपदेश कर रहे थे और सबकी नजर सदगुरु की तरफ थी और सिंहासन पर बैठे हुए,
गरीबदास महाराज ने कृष्ण भगवान का स्वरूप धारण कर लिया, सिर पे मुकुट, कानों में कुंडल, वैजंती माला, पीतांबर ओढ़े, हाथ में मुरली, मन मन मुस्कुरा ले और घुंघराली अलकाए, कोसत में गले में वैजंती माला, सब देखने लगे कि हमारी आंखों में भ्रम तो नहीं हो गया, थे गरीबदास जी तो कृष्ण भगवान बैठे, ऐसे लगा जैसे द्वापर युग फिर से आ गया। कुछ रो रहे हैं लोग, कुछ दर्शन करके नाच रहे हैं, सबको मुरली की धुन सुनाई दी। और वहां पर सदगुरु ने कहा आंखें बंद करो, और संत क्या नहीं कर सकते, वहां बैठे बैठे सतलोक दिखाना शुरू कर दिया अपने अधिकारी शिष्यों को, और कह लगे चलो श्वेत मुकुट में चलो। आपको पता है जिसको आप शरीर समझ रहे हैं ना, राम श्याम जय भगवान, प्रदीप अनिल जो सोनल, ये शरीर के नाम है, तुम्हारे भीतर जिंदा परमात्मा बैठा है, और श्वेत गुम्बद है ऊपर, नूर के गुम्बद है महल, कभी डरते नहीं है, और वहां गया वहां कभी मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है, वहां दुख सुख नहीं है, राग द्वेष नहीं है, नित्य आनंद ही आनंद है, मुक्त परम हंस आत्माएं हैं। सदगुरु ले गए, वहां से उठा के कहां ले गए उनकी सुरती के द्वारा, श्वेत गुम्बद में। तो सदगुरु शुरू करते हैं, गरीब गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, श्वेत दजा पर नाय राम रंग होरी हो, बुद्धि पानी से अगम है रंग होरी हो, सुरत रत जा लाए राम रंग होरी हो। वहां बुद्धि पानी से नहीं जा सकते, मन से श्रुति नृति लगा लो तो वहां पहुंचोगे, श्वेत हो जाए फर्क नहीं है। सिर जय विष्णु महेश राम रंग होरी हो, त्रिगुण माया विस्तरी रंग होरी हो, सावित्री और गोरी राम रंग होरी हो, लक्ष्मी आद्यनाद राम रंग होरी हो, सावित्री गोरी लक्ष्मी सब परमात्मा के साथ रंग में रंगे हुए हैं। जब ऐसी लीला देखने लगे, देह अध्याय से ऊपर उठेगी सारी आत्मा और उस नूरी लोक में पहुंचेगी, और कहां खेलने लगी, आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देह में दो राम रंग होरी हो। आपके शरीर में दो चीज है, कुर्सी, एक आत्मा एक परमात्मा, आत्मा नित्य परमात्मा का अंश है, लेकिन मिल नहीं पा रही है, क्यों, बीच में कर्मों का पर्दा आ गया। सदगुरु यही काम करते, पर्दे को हटा के आत्मा मुस्कुराती हो दूर थी, ये ना परमात्मा तो पर्दे के पीछे ही था। एक और बताऊं, पर्दा परमात्मा पर नहीं है, पर्दा हमारे पे है, परमात्मा तो बेपर्दा बैठा है, पर्दा हमने करा हुआ है, और सदगुरु ही इस पर्दे को उगाड़ सकते हैं। भाई युग बीत जाएंगे, इस पर्दे को कोई नहीं हटा सकता है, बस गुरु हटा सकता है। तो वहां आत्मा परमात्मा का के साथ होली खेलने लगे, और देखा हुआ तो शाश्वत परमात्मा बैठा हुआ है, और सब वहां पर खेल रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, सनकादिक नारद रटे रंग होरी हो, सोम सतुपदेश राम रंग होरी हो, मान सरोवर हंस राम रंग होरी हो। ऐसा नहीं तो मटका मत पानी भर के तुम एक दूसरे पर डालो, मान सरोवर है वहां तो उसमें डुबके लगा हुए हैं, अमर है, कभी मरते नहीं, पानी गंदला नहीं होता, और उस मान सरोवर पर युगों से अनंत युगों से मुक्त आत्माएं बैठी हैं। और जयतराम जी कहते ये नहीं पता कौन से हैं, आनंद में है, वोद कोशर है वहां पे, और इतने ऐसे वृक्ष हैं जो कभी मुरझाते नहीं, खत्म नहीं होते, ऐसे फल फूल हैं, नित्य खिले रहते हैं, दादुर मोर पपैये बोल रहे हैं, या बादल गर्जन मोर बोलने लग जाए तुम्हारा सब जगह से ध्यान हटके उसमें चला जाएगा ना, 24 घंटे ऐसे बज रहे हैं। सुंदर नाद, मोर गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवार राम रंग होरी हो। फिर क्या लीला देखी, जो गरीब दास महाराज वहां बैठे थे सब शिष्यों के सामने, फिर देखा सतगुरु गरीब दास सतलोक में बैठे हैं, और सारे शिष्य भी वहां मौजूद है, वो लीला देखकर आए और आंखों ली तो सतगुरु सामने मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसी होली सदगुरु ने दिखाई अपने शिष्यों को उस समय मथुरा वृंदावन की, ये ग्रंथ साहब की रचना है, दिव्य रचना है राग होरी जिसका हम पाठ करते हैं। ऐसे समर्थ महापुरुष सेकेंडों में कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, और कोई भी लीला दिखा सकते हैं,
भूरी बाले महाराज में इतनी ताकत थी, किसी हंस से उनकी सेवा से खुश हो जाते, उनके सिर पे हाथ रख के और उसको सचखंड दिखा देते थे, सतलोक दिखा देते थे। ऐसे अभी कलयुग में ही ऐसे पूर्ण संत हुए हैं। तो आज भाग उत्सव है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सतगुरु गरीबदास महाराज की इस राग होने के बारे में बताया। हम ऐसे समर्थ सतगुरु की, पूर्ण संत की शरण में है, अगर इनकी ओट में रहोगे, इनकी मर्यादा में चलोगे, भक्ति करोगे, सेवा करोगे, गुरुजनों के शिष्टाचार में रहोगे, नाम सुमरण करोगे, सतगुरु यहाँ से ठा ले जाएंगे, कभी अपने लोक में जरूर लेके जाएंगे और सारे दुख मेट देंगे जो जीव पे लगे हुए ना। कितने झंझट है, हम कोई मर गया, कोई जी गया, कोई मोह ममता में किसी चीज में इतने में लाग लपेट में जीव लपेट दिया, परमात्मा ने भूल गए हम मोह माया। तो यहाँ तो भाई आना जाना है, अरबों आलिए अरबों चले जाएंगे, और ये दमेड़ा ऐसे भरे रहेगा। ये काल की नगरी है, और भक्ति कर लो, सदगुरु ही यहाँ से छुड़ा सकते। इस भक्ति के प्रेम के रंग में आपने रंगना है और परमात्मा को पाना है, वही हमारा असली स्वरूप है। और मैं अभी एक छोटा सा भजन सुना दूं होली का, जो मेरी दादी गाती थी। भला मैं कैसे होली खेलूं भगवानी उसने।
बोलिए सतगुरुदेव, गुरुदेव